सबसे पहले यहाँ पे शोहाना का शूट हो रहा है, देखते क्या बोलेगी शोहाना। मैंने उसको बोला, पहला आप ये बताओगे कि मेरा नाम ये है, उसके बाद आप बताओगे आपने व्लॉगिंग क्यों चूज किया, और उसके बाद आप बताओगे कि यहाँ पे आयान रेडी हो गया है अपने शूट के लिए। और जब हम स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब लाइफस्टाइल व्लॉगिंग या कुछ चैलेंज, तो हम सोचते हैं कि हमें सेटअप होना चाहिए, हमें ट्राइपॉड होना चाहिए। मेरे पास था, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में की तो मेरा फ़ोन, मैं ऐसे आइसक्रीम खा रहा था वहाँ पे, तो सीधे फ़ोन चला गया डल लेक में। घर वालों से लड़ते कि हमें सेटअप चाहिए, हमें ट्राईपॉड चाहिए, आईफोन चाहिए, ये ज़रूरी नहीं होता है। जब यहाँ पे आदि का शूट हो रहा है, कंटिन्यू ब्रो। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सभी अच्छे से होंगे, और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और हमें भी दुआ में याद किया करो। तो हाँ जी, सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ बाजार, क्योंकि मामा घर पे नहीं है, इसलिए मुझे इफ्तार के लिए सामान खुद ही लाना पड़ेगा, क्योंकि दिन भर तो कुछ खाना नहीं होता है, और इफ्तारी के टाइम फिर एक साथ सारा कुछ खा लो, ठीक है। तो आगे आगे क्या सीन रहेगा, मामा घर पे क्यों नहीं है, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि अगर मैं पहले ही सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कमेंट जल्दी से कर दो। 6K होने वाला है, तो 6K जल्दी से कर दो। भाई हूँ मैं आप लोगों का, तो भाई को 6K जल्दी से जल्दी कर दो। जल्दी 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 ही करना पड़ता है सब कुछ, स्कूल जाओ जल्दी जाना होता है, ट्यूशन जाओ जल्दी जाना, तो मेरे 6K भी जल्दी से कर दो, ठीक है। तो क्या क्या सीन रहता है वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा, आप बस सब्सक्राइब कर दो, और देखते हैं क्या सीन रहता है। शुक्रिया। तो हाँ जी गाइस, सामान वगैरह तो मैंने घर पे डाला, लेकिन अभी जाना है मुझे आदि के पास। क्यों जाना है, किस काम से जाना है, वो आप आगे वीडियो में देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही जाते हैं। तो जी ये रहा आदि। आदि हमें कहाँ जाना है, चले जल्दी जल्दी से, फिर कसम से और भी एक काम है, चल आ जा जल्दी। तो असल में हमें आना था यहाँ पे पोलो ग्राउंड में, ठीक है। तो यहाँ पे शूट हो रहा है आदि के ब्लॉग्स का, एंड मेरा, एंड शोहाना का, ठीक है। फिलहाल है शोहाना स्टार्टिंग में। कौन सी क्लिप, सबसे पहले यहाँ पे शोहाना का शूट हो रहा है, देखते क्या बोलेगी शोहाना। मैंने उसको बोला, पहला आप ये बताओगे कि मेरा नाम ये है, उसके बाद आप बताओगे आपने व्लॉगिंग क्यों चूज किया, और उसके बाद आप बताओगे कि। तो जी अभी शोहाना का शूट तो हो गया, माशाल्लाह इसने बढ़िया किया। थोड़ा सा मैंने दिखाया, क्योंकि सारा मैं नहीं दिखा सकता, फिर उनका कोई फ़ायदा ही नहीं होता अगर मैं सारा कुछ अपनी वीडियो में दिखाता, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी क्लिप ली, वो आपने देखी होगी पहले, अब आदि का, उसके बाद मेरा या आदि का। तो मुझे नहीं है या 99 वीडियोस बनाया या 18 वीडियोस जितने भी, अगर मुझे उस पर कभी भी कॉपीराइट क्लेम आया है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसे हटाना, क्रोम में जाना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसा हम लोग दिखाते हैं ना अपनी लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग में, इतनी ईजी नहीं होती हम लोग की लाइफ, है ना। ठीक, जब हम स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग या कुछ चैलेंज, तो हम सोचते हैं कि हमें सेटअप होना चाहिए, हमें ट्राईपॉड होना चाहिए। मेरे पास था, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में की तो मेरा फ़ोन, मैं ऐसे आइसक्रीम खा रहा था वहाँ पे, तो सीधे फ़ोन चला गया डल लेक में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं होता, जब वो डल लेक में फिर गया तो फिर मुझे नाव वाले के पास जाना पड़ा, डल में जाना पड़ा ऐसे सर लेके। फ़ोन तो ख़राब हो ही गया, वो आप लोगों को पता मत होगा जो कि मेरी ऑडियंस है, फ़ोन तो ख़राब हो ही गया, लेकिन बचा क्या, सिम बचा। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये होता है, हम सेटअप के लिए घर वालों से लड़ते कि हमें सेटअप चाहिए, हमें ट्राईपॉड चाहिए, आईफोन चाहिए, ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमें आईफोन ही मिले, 13 प्रो अभी ट्राईपॉड्स हमें मिले माइक वाले। बस आप अच्छे से करो, वो आपके लिए बेस्ट होगा, मुझे यही कहना है। जब यहाँ पे आदि का शूट हो रहा है, कंटिन्यू ब्रो। तो लास्ट शूट हो रहा है यहाँ पे शोहाना का, ठीक है। इसमें इसके चल को चल के आना है, चल के यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, सेटअप है यहाँ पे, एंड ये आ रही है यहाँ से। तो हाँ जी, मैं तो जा रहा हूँ घर, क्योंकि मुझे और भी एक काम है। मत कर यार, मुझे और भी एक काम है, ठीक है। चलो आदि भाई, साहिल जोन भी आया यहाँ पे, अब साहिल की बारी है। चलो शोहाना, हम चलते हैं। ओके बाय। हाँ जी गाइस, अभी जाना है मेरे को मम्मी को लाने शोहितपुरा से, क्योंकि
के जो मेरी मामी है उनके भाई की डेथ हो गई थी, वो मैं आपको आगे का सीन बताऊंगा, आगे बताऊंगा क्या सीन है, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, वहां से पोलो ग्राउंड से मैं जल्दी ही निकला, लेकिन फिर मुझे जाना था मामा को लाने, तो इफ्तार भी रास्ते में ही हो गया। मतलब क्यों जाना था मामा को लाने, क्यों, जो मेरी मामी है उसके भाई की डेथ हो गई थी, अल्लाह ताला उनको जल्द फिरदौस अता करे। वो सब तो मैं दिखा नहीं सकता था क्योंकि हमारे कश्मीर में वो सबको गलत माना जाता है, तो गलत ही सही। तो फिर मैंने वहां से सीधा घर आया, घर में फिर से ब्लॉग स्टार्ट किया, इफ्तार भी फिर मैंने रास्ते में ही किया। अब जाके नमाज पढ़ते, उसके बाद चाय पीते डायरेक्ट सिम, और देखते हैं क्या कुछ रहता है, ठीक है। तो अभी मैं घर आया ही नहीं, एंड अभी जाना है मम्मी के साथ डॉक्टर के पास, क्योंकि मम्मी का जो बीपी है वो शायद से हाई हो चुका है। तो मम्मी ने बोला कि मुझे डॉक्टर के पास आता, अब वही जाते हैं और वही से देखते हैं क्या कुछ रहता है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा थक गया आज, बहुत ही ज़्यादा थक गया कसम से, सुबह से लेके अब तक मैं बैठा ही नहीं हूँ। ऊपर से रोज़ा भी होता है इंसान, तो उससे और भी ज़्यादा हो जाता है। एंड मम्मी के साथ अब जाते हैं और देखते हैं क्या कुछ रहता है। तो लो जी, डॉक्टर के पास भी पहुंच गए, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, इतनी सारी दवाई मेरे स्टोमक के लिए, मम्मी आई थी डॉक्टर के पास लेकिन दवाई मेरे लिए, लगता है स्टोमक ओवरऑल करना पड़ेगा। तो हाँ जी गाइस, घर के लिए लिए मैंने केले और तरबूज है, ठीक है। अब चले मामा, लेट हुआ बहुत ज्यादा, नमाज भी पहुंची, तो चलो जी गाइस चलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से सोचा कि मैं स्कूटी की चाबी के लिए ये लूँगा, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, 150 में मिला ये, ठीक है, कुछ आता ही नहीं है बाजार से। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम आ चुका है 3:30, सहरी में अभी है आधा घंटा। अब अगर मेरे पास दूसरा फोन होता तो मैं अभी टाइमिंग दिखाता, और मैं लगा रहा हूँ गाड़ी में पर्दे, असल में ये धोए थे मम्मा ने, अब ये पापा ने नहीं लगाए थे। मैंने सोचा अभी शहरी में आधा घंटा मैं फ्रेश हुआ, मूव मैंने धो लिया, क्योंकि हमें शहरी के बाद ही काम पे निकलना है, ठीक है। अभी मैं पर्दे लगाता हूँ एंड उसके बाद शहरी खाते हैं और निकलते हैं काम पे, ठीक है। पर्दे में लगाऊंगा, उसके बाद शायद व्लॉग का एंड होगा, क्योंकि व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है पहले से ही। तो मैंने सोचा व्लॉग का एंड अभी करते हैं और सुबह सुबह एक नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो शहरी के बाद मुझे 10-20 मिनट लगेंगे व्लॉग को एडिट करने में, आधा घंटा भी लग सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या कुछ रहता है। फिलहाल लगाते हैं पर्दे और देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। ये मैंने लगाया ये वाला का, अब इसको ये वाला लगाना है ऊपर से, ठीक है। बहुत मैंगदग होती है इसमें, लग जाए यार। ओ, ये तो अंधेरा हो गया, ये हो गया जी ये कंप्लीट। हो गए जी ये पर्दे भी, ठीक है। थोड़ा अंधेरा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, अभी अंधेरा ही है तो थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी आप बड़े अच्छे तरीके से देख लो बैक कैमरा से, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा है, बढ़िया, ये हो गया। एंड अभी है ये वाला, यहाँ से ये लगाना है, ठीक है। ये भी मैं दिखाऊंगा अब जल्दी में, ये देख लीजिए हो गया जी ये। तो लीजिए गाइस, ये भी हो गया नीचे वाला पर्दा भी। अब हम अंदर जाते हैं, सहरी खाते हैं और व्लॉग का एंड भी वैसे करते हैं, ठीक है। एंड ये रहा हमारा डोल वाला भी यहाँ से, ठीक है। अब मैं वहां नहीं जा सकता, अभी सहरी खाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हो गई सहरी भी। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी के साथ साथ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है लेकिन अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों का फर्ज बनता है आप लोग सब्सक्राइब करके जाए और वीडियो को लाइक कमेंट जल्दी से कर दो। मिलता है किसी अगले से वीडियो में।